So class 4, today we start our chapter number 15, which is Birbal Goes to Heaven. In this chapter, we shall read how Birbal used his wisdom. Birbal Goes to Heaven, Birbal Swarg Jata Hai, ye chapter ka mara naam hai. Aur is chapter mein hum log ye padhenge ki Birbal ne apni akal ko, apni hoshiyari ko kaise istemal kiya. Birbal was very wise and witty, so other people used to be jealous with him and always tried to degrade him. Birbal बहुत ही होशियार और अकलमंद था, तो जो और लोग थे वो उससे जलते थे और हमेशा ये कोशिश करते थे कि वो नीचा दिखाया जाए. One day a court barber who was very jealous of Birbal plotted a plan against him. एक दिन जो कोर्ट का बारबर था, बारबर यानी कि नाई जो बाल काटते हैं, जो राज्य का बारबर था, उसने वो बीरबल से बहुत जलता था, तो उसने एक प्लान बनाया उसके अगेंस्ट. सो व्हेन द किंग कॉल्ड हिम अगेन टू ट्रिम हिज बियर्ड ही वेंट एंड स्टार्टेड ट्रिमिंग हिज बियर्ड. तो जब अगली बार जब राजा ने उसको बुलाया अपनी बियर्ड यानी दाढ़ी को ट्रिम करने के लिए, तो वो गया और अपनी ट्रिमिंग स्टार्ट कर दी. उसने कहा, सर लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट योर फादर. तो उसने उनसे कहा कि सर कल रात को, जो मतलब बीती हुई रात है लास्ट नाइट, तो मैंने ड्रीम में यानी कि ख्वाब में आपके फादर को देखा. द किंग गॉट इंटरेस्टेड, सो ही आस्क व्हाट डिड ही से टू यू. किंग को, राजा को इंटरेस्ट आया, तो उसने उससे पूछा कि तो उन्होंने तुमसे क्या कहा. Sir, he said to me that everything is good in paradise, but he feels a great absence of a good humorous man who can amuse him. तो उसने कहा कि सर, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वर्ग में यानी कि जन्नत में यानी कि पैराडाइज में बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनको एक अच्छे और ऐसे इंसान की कमी महसूस होती है जो उनका एंटरटेनमेंट कर सके. द किंग थॉट एंड थॉट, बट नो बडी एल्स ही कुड थिंक ऑफ एक्सेप्ट बीरबल हु कुड परफॉर्म दिस काइंड ऑफ ड्यूटी वेरी वेल. किंग ने सोचा और बहुत सोचा, लेकिन उनको बीरबल के अलावा कोई और समझ में नहीं आया कि जो ये काम अच्छे से कर सके. एंड नेचुरली द ओनली वे टू गो टू हेवन वॉज थ्रू डेथ. और नेचुरली एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने का, कि पहले इंसान मरे. फॉर अ मोमेंट अकबर वॉज वेरी सैड टू लूज सच अ वाइस मैन, बट थिंकिंग ऑफ हिज फादर ही मेड अप हिज माइंड. अकबर बहुत उदास हुए जब उन्होंने ये सोचा कि ये मर जाएगा, मतलब ये मेरे दरबार से एक आदमी इतना होशियार कम हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने अपने फादर के बारे में सोचा तो वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए. ही समन्ड बीरबल एंड सेड, आई थिंक बीरबल यू लव मी वेरी मच एंड यू कैन सेक्रीफाइस एनी थिंग फॉर मी. उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी अपना सेक्रीफाइस यानी कि त्याग सकते हो, छोड़ सकते हो. बीरबल ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट बट ही कुडंट गेस. बीरबल उनके बारे में, मतलब उनका ही जो कहने का मतलब था वो समझना चाह रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया. ही सेड, यू नो मैजेस्टी, आई डू. Then Birbal please to go to heaven to give company to my dear father. तो उसने कहा कि हाँ, आप, मैं तो करता ही हूँ और मैं कर सकता हूँ आपको, आपके लिए कुछ भी. तो किंग ने कहा, बीरबल तो तुम स्वर्ग जाओ यानी कि जन्नत में जाओ और मेरे फादर को कंपनी दो. बीरबल अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द विकेड प्लान टू ऑफ समबडी टू किल हिम. तो बीरबल को फौरन ही समझ में आ गया ये किसी का घटिया प्लान है उसको मारने के लिए. ही सेड टू द एम्परर पोलाइटली, आई विल डू सो बट आई नीड अ फ्यू डेज टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू हेवन. बीरबल ने कहा बहुत राजा से, बहुत ही नम्रता से, कि मैं जरूर करूंगा लेकिन मुझे कुछ दिन चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. द किंग सेट, सर्टेनली यू आर गिविंग मी सच अ ग्रेट फेवर, आई अलाउ यू 1 week टू प्रिपेयर योर सेल्फ. तो राजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे देता हूँ अपने आप को तैयार करने के लिए. ना बीरबल वॉज वरीड, ही थॉट समबडी हैज प्लान वेरी वेल एंड ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम दिस प्लान. तो बीरबल अब थोड़ा सा
परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि किसी ने बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया है उसके खिलाफ और वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। ही थॉट डे एंड नाइट, उसने रात दिन सोचा। एंड देन ही फाउंड अ वे, और फिर उसको एक रास्ता मिला। ही डग अ डिच नियर हिज हाउस विच वुड सर्व एज हिज ग्रेव एंड डग अ टनल टू विच वुड ओपन इन अ रूम ऑफ हिज हाउस। तो उसने अपने घर के पास एक गड्ढा खोदा जो कि उसकी कब्र के लिए होगा, और एक उसी के अंदर से एक सुरंग बनाई जो कि उसके रूम में आकर के निकलेगी अपने घर के अंदर। आफ्टर डूइंग दिस ही रिटर्न टू द इम्पीरियल कोर्ट। ये सब करने के बाद वो क्या हुआ, वापस गया कोर्ट। उसने कहा, आई एम रेडी बट देयर आर टू कंडीशंस, मैं रेडी हूँ लेकिन यहाँ पर मेरी दो कंडीशन है। अकबर वॉज सो हैप्पी टू हियर दिस दैट ही फॉरगॉट दैट बीरबल कुड पुट सम ऑड कंडीशंस टू हिम। और अकबर ये सुनकर के बहुत ही खुश हुए और ये उसके आगे भूल ही गए कि वो बीरबल कोई उल्टी सीधी कंडीशन रख सकते हैं। ही सेड व्हाट आर दोज कंडीशन, उन्होंने पूछा कि कौन सी वो कंडीशन है। टेल मी सून, जल्दी मुझे बताओ। आई विल ट्राई टू फुलफिल देम सो दैट यू कैन गो टू हेवन टू बी विद माई डियर फादर, ताकि मैं जल्दी से उनको पूरी करूं और तुम जल्दी से स्वर्ग जा सको मेरे फादर के पास। बीरबल सेड योर मेजेस्टी आई विश टू बी बरीड नियर माई हाउस। बीरबल ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए। एंड आई वॉन्ट टू बी बरीड अलाइव सो दैट आई कैन रीच हेवन अलाइव टू अम्यूज योर डियर फादर। और दूसरी शर्त यह है कि मुझे जिंदा ही दफनाया जाए ताकि मैं जिंदा स्वर्ग पहुंचूं आपके फादर के पास उनको एंटरटेन करने के लिए। द किंग फाउंड दिस लॉजिकल एंड एग्रीड अपॉन देम इमीडिएटली। किंग को ये बात लॉजिकल लगी, समझ में आई, समझदारी वाली बात लगी और वो इस बात पे एग्री हो गए। सो बीरबल वॉज बरीड अलाइव नियर हिज हाउस, और फिर बीरबल को जिंदा ही दफनाया गया उसके घर के पास। ऑफकोर्स ही मेड हिज वे टू हिज हाउस वेयर ही लिव्ड इन कन्फाइनमेंट फॉर 6 मंथ। और बीरबल तो वैसे ही पहले से उसके अंदर से एक सुरंग निकाल चुका था जो उसके घर के अंदर निकलती थी, तो फिर वो 6 महीनों के लिए वो अपने घर ही में रहा छुप करके सबसे। आफ्टर 6 मंथ्स ही केम आउट ऑफ हाइडिंग विद ग्रोन बियर्ड एंड शैबी हेयर एंड आस्क्ड फॉर परमिशन टू अपीयर इन द रॉयल कोर्ट। फिर उसके 6 महीने के बाद बीरबल वहां से निकला तो उसकी जो दाढ़ी थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और बाल भी बहुत बड़े बड़े हुए थे, और उसने परमिशन मांगी कि वो किंग के दरबार में सामने आए। लुकिंग एट हिम अकबर क्राइड वेयर हैव यू बीन बीरबल। उसको देखते ही अकबर रो करके बोले, जोर से बोले कि बीरबल तुम कहाँ थे। बीरबल सेड योर मेजेस्टी आई वॉज इन हैवन विद योर डियर फादर। तो उसने कहा कि मैं आपके फादर के साथ स्वर्ग में था। I had a very good time there with your father. और मेरा वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बीता आपके फादर के साथ। He was so happy with my services that he gave me special permission to return to the earth. और वो मेरी services से इतना ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने मुझे special permission दी कि मैं अर्थ वापस आ जाऊँ। Akbar was very anxious to know about his father. He asked, did he send any message for me? अकबर बहुत उत्सुक थे अपने फादर के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने कहा, पूछा उससे कि क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ मैसेज भेजा है। बीरबल सेड यस योर मेजेस्टी ही सेड दैट वेरी फ्यू बार्बर्स कैन मेक इट टू गो हेवन, यू कैन मेक आउट दिस फ्रॉम माय ग्रोन बियर्ड एंड शैबी हेयर, सो ही आस्क टू सेंड योर बार्बर टू हिम इमीडिएटली। तो फिर उसने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर कोई भी नाई नहीं है, आप मेरी हालत देख करके देख सकते हैं कि मेरी कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है और कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि फ़ौरन ही आप अपना नाई मेरे पास भेज दीजिएगा। तो अकबर अंडरस्टूड एवरीथिंग, अकबर सब कुछ समझ गए। उन्होंने बीरबल को एक बड़ा सा प्राइज दिया और बार-बार जो नाई था उसको फांसी पर लटकवा दिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया।